नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की हेडलाइंस पर। बहरोड में जश्न आजादी का दौर शुरू। सैकड़ों स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। हजारों लोगों ने तिरंगे को किया सलाम। शांति मार्केट से चली तिरंगा यात्रा ने शहर भर में किया भ्रमण। बहरोड के लोगों में देशभक्ति का देखने को मिला जज्बा। हिंदू जागरण मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। दिवस बना रहे हैं। मैं अपने हिंदू जागरण मंच की तरफ से पूरे बहरोड वासियों को, राठवासियों को और आप न्यूज संवाददाताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल। बहरोड पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव यादव। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश, जगह जगह किया फूल मालाओं से स्वागत। राजस्थान में बनने लगा विधानसभा चुनाव का माहौल, नेताओं के दौरे शुरू। बहरोड अग्रवाल समाज की कार्यकारिणी की हुई बैठक। अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने रखे 3 प्रस्ताव। पर्यटन स्थलों का भ्रमण, गरीबों को वस्त्र वितरण, अग्रसेन जयंती पर हुआ विचार। कार्यकारिणी सहित अनेक अग्रबंधु रहे कार्यक्रम में मौजूद। बहरोड मेघवाल विकास समिति ने SDM को दिया ज्ञापन। 9 तारीख को संसद मार्ग पर हुई अप्रिय घटना का जताया विरोध। महापुरुषों का बताया अनादर। बड़ी संख्या में समाज के लोग रहे मौजूद। गांव माजरी कला में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन। पैनल अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने आम लोगों को दी जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड के तत्वावधान में हुआ शिविर। लंबी मशक्कत के बाद भीटेड़ा गांव के लोगों को मिली राहत। अतिक्रमण हटाने पहुंचा प्रशासनिक अमला। लोगों में खुशी की लहर। मौके पर तहसीलदार भी रहे मौजूद। इसी जगह 21 तारीख को लगेगा विशाल मेला। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे रा24। नमस्कार।